हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजराना'स किचन। आज मैं आपके साथ मटन मसाला बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत ही बढ़िया और मजेदार लगती है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए फिर मटन मसाला बिरयानी की इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुकर में आधा जग पानी ले लिया है। गिलास से ये लगभग ढाई गिलास पानी है। अब हम इसके अंदर ये एक मीडियम साइज प्याज को बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे और ये चार बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये हम यहाँ पे एक छोटा सा कटोरा ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये व्हाइट कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और अब हम इसके अंदर आधा कप धनिया और आधा कप सौंफ डालेंगे और इसकी हम इस तरीके से एक पोटली बना लेंगे। अब इस पोटली को भी हम कुकर में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, एक बड़ा चम्मच साबुत जीरा, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक पीपली, एक जावित्री, आठ हरी इलायची, दो बड़ी इलायची, ये 8 से 10 टुकड़े दालचीनी के, एक स्टार फूल, 18 से 20 लौंग, 5 से 6 तेज पत्ता। अब ये हमने यहाँ पे 2 किलो मटन लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको भी हम कुकर के अंदर डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे और सीटी लगने के बाद इसकी सीटी हम पूरी तरह से निकलने देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 किलो गोल्डन सेलर राइस लिया है। इसको हम करीब 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखेंगे। आप चाहे तो आप अपनी पसंद का चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला या आप जिसमें भी बिरयानी बनाए आप वो बर्तन ले लें। अब इसके अंदर 1 कप तेल डालेंगे। अब हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज प्याज को डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे कुकर में 1 सीटी लग चुकी है और इसकी सीटी हमने पूरी तरह से अपने आप निकलने दी है और मटन भी हमारा आधे से ज्यादा पक चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो चावल पकाने के टाइम में पक जाएगा। अब हम उसी पतीले में 8 से 10 हरी मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के मिर्च का अचार भी डाल देंगे। अब हम इसे 10 से 12 सेकंड के लिए पकाएंगे और इसमें 2 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 जग पानी डालेंगे। गिलास से ये 5 गिलास पानी है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढक के पानी में हम उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में हमारे अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब ये जो हमने कुकर में मटन पकाया था ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। मटन को पतीले में डालने से पहले आप इसके अंदर से सौंफ और धनिया की पोटली को बाहर निकाल लें। अब हम इसके अंदर 1 कप पुदीने के पत्ते डालेंगे और 1/2 कप हरा धनिया डालेंगे और जब पानी हमारा फिर से अच्छी तरह से उबलने लगे तब हम इसके अंदर भिगोए हुए चावलों को डाल देंगे। अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और आंच को भी हम तेज ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच केवड़े का अर्क डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे और तेज आंच पे ही पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे।
ये देखिए चावल का सारा पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और चावल भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाकू में बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है, चाकू हमारा बिल्कुल सूखा है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर से येलो और रेड फूड कलर डालेंगे। और फ्राई किया हुआ प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा कटोरा ले लेंगे और इसमें कोयले को अच्छी तरह से जला के डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे और जल्दी से ढक्कन को बंद कर देंगे। अब इस ढक्कन को हम पूरा 10 मिनट बाद खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और मटर मसाला बिरयानी हमारी बनके तैयार है। और ये देखिए चावल भी इसके कितने खिले खिले बने हुए हैं। मटन मसाला बिरयानी की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।